एमा क्या कर रहे हो? गोल्ड? ओह, कितने डॉलर्स लेते हो आप? ये नेल सलून का साथ नो मनी होता है। मेरा नेल सलून एक फ्री शॉप है। फ्री शॉप है? बेटा आजकल फ्री तो कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं भी आऊंगी नेल पेंट करवाने। बट करते क्या क्या हो? अगर हम आएंगे तो आप हमारे लिए क्या करोगे? ये देखो भाई, उसने अपनी कलर चार्ट भी बनाया हुआ है कि आपको पता चले कौन कौन से कलर्स हैं, उनका क्या शेड आने वाला है। वाह भाई वाह, एमी ये किसका आइडिया था? मेरा। अब आप वेट कर रहे हो कस्टमर के लिए? हाँ जी। रोज कितने कस्टमर आते हैं? वो दादी होएगी तेरी कस्टमर, है ना? आप मेरा नेल सेट कर दोगे? हाँ जी। शेप भी दोगे ना? मैं शेप देती हूँ। आप तो पहले मेरे को बोल रहे थे कि मैं शेप दे देती हूँ, लेकिन जो शेप मैं देती हूँ वो शेप आपके पास ऑलरेडी है। मेरे को लग रहा है कि ये लाइक केमिकल है, तो जो आपने दूसरा सब शेप लिया तो मेरे को लग रहा है कि ये कट ही नहीं हो रहा। कौन सा पिंक चाहिए? ये वाला। अच्छे से लगाना, बम्बी बम्बी मत करना। हम पैसे नहीं देंगे वरना अच्छा नहीं किया तो। मैं पैसे लेते भी नहीं। वाह भाई वाह, अभी ऐसी शॉप तो हर गली को नुक्कड़ में होनी चाहिए। अब दूसरे वाले पे कोई दूसरा कलर लेओगे? इसको तो कंप्लीट करो। मेरे को पता है, लेकिन मैं कलर चेंज करके करती हूँ। मैं सिर्फ एक कलर सारे नेल्स पे नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि फिर बहुत कूल नहीं होगा। दादी को सब पे एक ही कलर अच्छा लगता है। एमी पेनेल पेंट तो अच्छे से लगा रही है भाई। बाहर नहीं आ रही। गाइस, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ अगर मैं रियल नेल शॉप मेकर हूँ कि मैं फेक वाला हूँ। ये भी बताओ भाई। तो गाइस, अब आप बताओ दादी का नेल्स अच्छे लग रहे हैं? बताओ भाई बताओ, दादी के नेल्स अच्छे लग रहे हैं? दो कलर अलग अलग लगा दिए, इस पे उसने गोल्डन भी लगा रखा है। ये देखो जी, खराब कर दिए। शो मी। देखो मैंने उनको कितना खराब किया। मैं तुझे बताऊं? आप भी आइए भाई, मेरे नेल्स देखो। ओहो, बहुत खराब करा तूने। बताऊं तेरे? किसकी नेल शॉप है? मैं फ्री में वर्क करती हूँ। फ्री में वर्क करते हो? सोशल सर्विस है। सारी दादियों को ही करते हो या मम्मा को भी कर देते हो? मम्मा आपसे करवाएंगी नहीं, कर तो सकते हो आप। और कौन कौन करवा सकता है आपसे नेल्स? Did you want the nails, guys? Guys, if you want to get nails too, you can just come call me on my phone. I will give you the how minute you can come and what day you can come. If and then you can get your own beautiful color nails. अपॉइंटमेंट देगी मैडम। गाइस, हमारे जो गुरु जी की फोटो है ना हमारे घर पे, तो लास्ट सत्संग के टाइम पर मुझसे वो टूट गई थी। तो हमें अभी जाना है इंडियन सजावटन पूजा हट, वहाँ पे उनके साइज का फ्रेम ऑर्डर करना है। बस इतना ही काम है। उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि आराम से आओ, कभी आपको टाइम देंगे जब आप पूरा टूर बनाओ। ये वो वाला शॉप नहीं है जिसकी मैं आपको टूर पहले ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इंडियन सजावटन पूजा हट का। ये उनके ब्रदर की शॉप है जहाँ पे ना मोस्टली डेकोर का सामान है, शादी वादी का सामान है, जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं या फिर शादी हल्दी वल्दी होती है उन सब का सामान है वहाँ पे। तो वो अलग ही स्टोर है, तो आपको उस टूर का भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब उसके साथ अब वहाँ जाना ही था। तो किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि अगस्त में ना विनर्स पे बहुत बड़े बड़े मार्कडाउंस लगते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सेल लगती है। तो और मैंने ना अभी दो तीन दिन पहले विनर्स गई थी और मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस उठाई हैं यार, जिनके प्राइस थे $40 $50, $5 में उठाई हैं मैंने। घर जाकर दिखाऊंगी कि ड्रेस की बात कर रही हूँ या जब पहनूंगी तब बता दूंगी। तो मुझे लगा कि एक बार तो विनर्स आकर ना चक्कर मारना बनता है कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो विनर्स आकर ऐसे एक बार डील्स भी मिल जाती है कई बार, तो एक क्विक चक्कर मारूंगी यहाँ का, फिर पूजा हट जाता है।
यहाँ पे तो ना वो थैंक्स गिविंग का और हेलोवीन का वो वाला सारा सामान आ गया है। एक्चुअली में ना हवा में ठंड भी वही वाली आ गई है कि अब ना फॉल को देखने लग गए हो, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉल, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेलोवीन। और मेरे को हेलोवीन में मज़े ही बहुत आते हैं, मतलब इस बार तो मैंने भी हेलोवीन पे ड्रेसअप करना है एमी की तरह। एमी पता नहीं क्या बनेगी, मैं कोई विच बनूंगी, लंबी सी हैट डालकर और वो कैटी वाला लाइनर लगाकर, विंग्स लाइनर, विच बनकर मैं भी ट्रिक और ट्रीट पे जाऊंगी इस बार। देखो हेलोवीन मग ये $40 का था, थोड़ी भी मिलता आज। पता है गाइस मेरा ना मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं आप लोग मेरे को मेरी एनर्जी के लिए और स्माइल्स के लिए, गिगल्स के लिए प्रेज करते हो, मैं बड़ी कोशिश करूं, मगर आज ना मेरे अंदर से स्माइल निकल ही नहीं, मूड बड़ा ऑफ हुआ हुआ है, क्यों वो रीज़न कभी किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी मैं, तो याद रखना कि शेयर करना है मैंने मगर आज पता नहीं यार मैं ट्राई कर रही हूँ मगर नहीं हो पा रहा। एवरीबडी हैज़ सम डाउन डेज है ना। और एक चीज़ और, कई लोग हैं जो मेरे बालों की ना बड़ी तारीफ करते हैं और कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं इसको बांध कर आया करो भाई, आधी स्क्रीन में तो बाल ही दिखते हैं तुम्हारे। मैं कोई एक राफ की बात बताती हूँ, जिस दिन मैंने बाल बांधे होते हैं ना, जैसे अभी आज बांध के आई हूँ मैं बाल, उससे मेरा मूड ना चीयरफुल सा नहीं रहता। मेरे ख्याल से मेरे मूड का ना डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो मेरे बालों के साथ है। मेरे बाल ऐसे गिलहराते रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे तो मेरा मूड भी चीयरफुल रहेगा। जब मैं बाल बांध देती हूँ तो मैं खुद ही मुझे लगता है मैं बंध सी गई हूँ, तो मैं आऊँगी नहीं ऐसे बहुत ज़्यादा। भाई आप कुछ मर्जी कह दे रहे हो, किसी को मेरे बाल अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, आप ऐसे कॉमेंट्स करो कि बांध कराओ ये वो, तो नहीं बनेगी नहीं बात। दिस इज़ नॉट हाउ चिटचैट विद शिल्पा इज़। अब ये तो आगे सारी पेंटिंग्स हैं, वो तो अमित ने मुझे वैसे लेने ही देनी है, तो वहाँ जाके मैं देख कर करूँ भी क्या। बट अभी ऐसे ना जब आप वो लगाएंगे ना फ्लोटिंग शेल्फ, इस बार घर में ना फ्लोटिंग शेल्फ लगाने, इस बार इस घर को डेकोरेट करने का मेरा थीम ना पेंटिंग्स और वॉल पेंटिंग्स कम और वॉल आर्ट, फ्लोटिंग शेल्फ, वॉल पीसेस, ये ज़्यादा होने वाला है। तो अगर अमित हम जो फ्लोटिंग शेल्फ लगाएंगे उनमें इस तरह के कलरफुल वाले ये भी बहुत अच्छे लगेंगे ना, जैसे ये तीन कलर हो गए इसमें देखो, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन बनाकर ऐसा कुछ रखा हुआ ये भी अच्छा लगेगा। तब सुनने के बाद ना कि अगस्त में अच्छा डिस्काउंट चलता है, कुछ उठाने का फुल रेट में मन ही नहीं कर रहा है मेरा। द फर्स्ट 5 days आफ्टर द वीकेंड आर द हार्डेस्ट। ऊपर से जिस विनर्स में हम आ गए हैं ना, उस विनर्स की डेकोरेशन मतलब रेनोवेशन चल रही है, तो मेरे ख्याल से उनका स्टॉक भी बहुत लिमिटेड पड़ा हुआ है। ऐसे ग्लासेस और भी लेकर आए थे ना एक बार विनर्स पे, याद है जब हम वहाँ पे वॉन वाले विनर्स पे गए थे तो हमने ग्लासेस खरीदे थे। हाँ खरीदे थे, बट ऐसे नहीं, अच्छा वो निकले निकले वाले थे, जो फ्लूट फ्लूट थे ना, शैंपेन फ्लूट, इन पे भी ऑफ नहीं है। हेलोवीन हेलोवीन ग्लासेस, एक्स्ट्रा लार्ज उसमें चल रहे हैं, प्लस साइज चल रहे हैं। आज कोई प्लान नहीं है किसी और आयल में जाने का, सिर्फ क्लियरेंस वाली चीज़ें देखनी है और बड़े डिस्काउंट वाली चीज़ें उठाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अब क्लियरेंस वो होनी चाहिए जब $40 की चीज़ें ना $5 में मिले उसको मैं क्लियरेंस मानूंगी। अब क्लियरेंस वो होनी चाहिए जब $40 की चीज़ें ना $5 में मिले उसको मैं क्लियरेंस मानूंगी। हे गाइस टाइम फॉर सम चिटचैट नाउ। पहले तो मैं दो लोगों को शाउट आउट देना चाहूंगी, एक तो देवांगनी जी को और एक राज को। राज जी के मुंह में तो घी शक्कर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यार एमी का एडमिशन वो 9 रेटिंग वाले स्कूल में हो जाएगा विडबी में, जो हमारे घर से दूर है, और उन्होंने बोला था कि अगर एडमिशन हो गया तो मुझे शाउट आउट जरूर देना। तो राज जी एडमिशन होगा या नहीं होगा वो देखी जाएगी, आप शाउट आउट ऐसे ही ले लीजिए। और देवांगनी, उन्होंने आजकल मतलब मेरे को लगता है मेरी नई सब्सक्राइबर है, अभी सारे वीडियोज देख रही हैं पिछले 2 दिन में और हर वीडियो पे मैंने डिटेल्ड कमेंट्स लिख रही हैं जिनको मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे लिखा कि मैं आपके सारे वीडियोज पे कमेंट कर रही हूँ, एज अ रिटर्न गिफ्ट आप मुझे शाउट आउट दे देना। आप नहीं बोलते मैं तभी दे दी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन भी मैं दो लोगों के लेकर आई हूँ,
एक तो दिलेश दवे का, जिन्होंने बोला है कि मेरे स्टोर्स वाले वीडियोस देखकर, शॉपिंग व्लॉग्स देखकर कि यार कनाडा इतना एक्सपेंसिव है, और अगर चीज़ों के प्राइसेस देखते हैं तो लगता है कि न्यू इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, और न्यू इमिग्रेंट्स की ऑन एन एवरेज सैलरी क्या रहती है यहाँ पर, ताकि वो कनाडा में एक्सपेंसिव कंट्री में अपने खर्चे चला सकें. और दूसरा जैस्मीन या फिर जैस्मीन, आई एम नॉट श्योर आपका एग्जैक्टली नाम कैसे प्रोनाउंस करते हो, बट मैं आपको जैस्मीन बोलती हूँ. तो जैस्मीन जी का क्वेश्चन है कि न्यू इमिग्रेंट कपल जब आकर यहाँ पर अपनी जॉब ढूंढता है तो बच्चों को वो कैसे मैनेज करते हैं, अभी जॉब नहीं लगी है तो फिर डे केयर बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं डेफिनेटली, तो अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना है या फिर अभी नई नई जॉब स्टार्ट करी है तो बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं. तो पहले जैस्मीन जी का क्वेश्चन ले लेते हैं. तो देखिए, मुझे पता है कि डे केयर कनाडा में काफ़ी एक्सपेंसिव है, $55 पर डे तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं ना तो बच्चे के लिए सेफेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप डे केयर में भेजें. और डे केयर में यस फीस पे करनी पड़ती है, कई बार आपको सिटी से सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन सब्सिडी लेने के लिए भी आपके पास जॉब लेटर्स होने चाहिए, आपको सिटी को प्रूव करना होता है कि आप दोनों वर्किंग हो, इसीलिए आपको बच्चे को डे केयर भेजना है, और आपकी दोनों की सैलरी के बेस पर सिटी डिसाइड करती है कितनी सब्सिडी आपको डे केयर के लिए देनी है. वो बात की बात है जब आपकी जॉब लग जाती है. अब जब जॉब नहीं लगी और आपको सिर्फ इंटरव्यूज देने हैं तब आप क्या कर सकते हो, तो देर आर डे केयर्स जो कि आपको फ्लेक्सिबल डेज के ऑप्शन देते हैं, मतलब पार्ट टाइम डे केयर्स होते हैं, आपको मंडे टू फ्राइडे एवरी डे बच्चे को वहां पर भेजने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी दो दिन या फिर तीन दिन हफ्ते में पिक कर सकते हो. मान लो आपने हफ्ते में दो दिन पिक कर लिया कि ट्यूजडे एंड थर्सडे मेरा बच्चा डे केयर आएगा, तो आप अपने इंटरव्यूज ऐसे प्लान कर सकते हो कि आप अपने सारे इंटरव्यूज ट्यूजडे या थर्सडे को रखो, और यहाँ के एचआरएस भी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं इस बारे में. और आजकल तो मोस्टली इंटरव्यूज ऑनलाइन चल रहे हैं, पहले फोन स्क्रीनिंग होती है और फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन अगर आपको जाना भी पड़ा तो आप उनको बता सकते हो कि आई हैव डे केयर फॉर माई किड ओनली फॉर दीज डेज, एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट. तो ये तो हो गया डे केयर का ऑप्शन. और अगर आपको वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी मिल जाए दोनों में से भी किसी एक को, तो ये तो बेस्ट है. जैसे अमित और मैंने पिछले दो साल से ये मैनेज किया हुआ है कि मेरी ऐसी जॉब है कि मुझे ऑफिस जाना ही जाना होता है, तो अमित ने पिछले दो साल से ऐसी जॉब मेंटेन की हुई है जो कि 100% रिमोट वर्क है. कई बार अमित को अपनी मीटिंग्स के लिए जब जाना होता है ऑफिस, तो उस दिन मैं वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी हफ्ते में तीन दिन चार दिन वर्क फ्रॉम होम अलाउड है. तो इस तरीके से भी काफ़ी पेरेंट्स हैं यहाँ पर जो कि प्लान करते हैं कि यार एक बंदा वर्क फ्रॉम होम करे और एक बंदा ऑफिस ड्यूटी कर ले, या फिर हाइब्रिड मॉडल वाली जॉब ले ले, या फिर डे और नाइट वाली जॉब ले ले, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, या फिर और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर शिफ्ट चलती हैं. तो मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं. या आई नो लाइफ कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ी सी हार्ड तो रहेगी, बट इसके साथ अगर आप बच्चे को डे केयर ना भेजकर घर पे मैनेज कर सको तो ये बहुत बड़ी सेविंग है, ट्रस्ट मी. तो अब ये डे केयर वाली बात हो गई. अब बात करते हैं न्यू इमिग्रेंट्स की एवरेज सैलरी कितनी होती है. देखो, अब न्यू इमिग्रेंट्स की एवरेज सैलरी तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये एक एक फिक्स फिगर मैं नहीं दे सकती. मैंने अपने ऑफिस में ऐसे न्यू इमिग्रेंट्स को भी हायर किया हुआ है जिनको कनाडा में लैंड किए हुए 5 दिन हुए थे, और उनको फर्स्ट इंटरव्यू कॉल हमारे ऑफिस से आई और 100,000 का पैकेज मिल गया, 120,000 का पैकेज मिल गया. और ऐसे भी बड़े सारे न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं जिनको सर्वाइवल जॉब्स की तरह स्टार्ट करना पड़ता है, बेसिक मिनिमम वेज की तरह स्टार्ट करना पड़ता है, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह या फिर डिलीवरी गाइस की तरह स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि अच्छे ऑप्शन है. इनमें भी आपको $18-$20 पर आवर आप कमा लेते हो. और अगर आपको इस तरह की जॉब्स भी मिलती हैं, तब भी एक बंदा अगर इस तरह की जॉब्स भी करे, मतलब बेसिक सर्वाइवल जॉब्स करे, तब भी 2,500 पर मंथ वो बड़े इजीली कमा सकते हैं. और अगर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो 5,000 पर मंथ घर में आ गया. लेकिन अब अगर एक ही कमा रहा है क्योंकि वाइफ को दो या तीन बच्चे संभालने हैं और एक ही बंदे की जॉब है, तो मैं ये बोलूँगी कि यार मोस्टली न्यू इमिग्रेंट्स की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जितनी चादर है उतने ही पैर वो पसारते हैं. मतलब हर बंदा ना अपने बजट के हिसाब से अपने खर्चे कर लेता है. मैंने एक वीडियो बनाई है कनाडा में हमारे लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, उसमें मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं. एक तो जब हम एज अ न्यू इमिग्रेंट लैंड हुए थे और हमारे सिर पर मोर्गेजेस नहीं थी, हमारे पास दो कार्स नहीं थी, और तब हमारे खर्चे कितने, और हम बेसमेंट रेंट करके रहते थे, तो हमारे खर्चे कितने होते थे महीने के, जो कि अराउंड 3,000 से 3,500 पर मंथ थे. और जब हमने घर ले लिया, मोर्गेज ले ली, दो कार्स ले ली, और ठीक है न्यू इमिग्रेंट्स नहीं रहे कनाडा में, फ्रेंड सर्कल बन गया, थोड़ा मस्ती मस्ती करने लग गए, तो हमारे महीने के खर्चे कितने हो गए, तो हम 3,000
से 3500 पर मंथ से सीधा 6,000-6,500 पर मंथ पे आ गए. तो अब ये एक्स्ट्रा 3,000 कैसे आया? ये जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, आपकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, दोनों वेल सेटल्ड हो जाते हो अपने करियर में, तो उस तरीके से सैलरीज बढ़ती रहती हैं. तो ट्रस्ट मी, लोग यहाँ पर $2,500-3,000 में भी गुजारा कर लेते हैं. अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कौन करता है बताओ एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि येस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, महंगाई कैनेडा में पिछले कुछ महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो अगर हम उसको थोड़ा सा, जो अभी एकदम से चीज़ें चेंज हो गई हैं इन लास्ट 6-7 मंथ्स, अगर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दे तो या न्यू इमिग्रेंट्स $3,000 के अंदर भी आराम से हम यहाँ पर गुजारा कर लेते हैं. और फिर ऐसे लोग भी हैं जिनको $10,000 भी कम पड़ते हैं. तो ये तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, सैलरीज भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, और आप कनाडा की महंगाई को कैसे मैनेज करते हो वो भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है. न्यू इमिग्रेंट्स के पास मोर्गेजेस नहीं होती हैं, न्यू इमिग्रेंट्स के पास अगर दोनों लोगों की जॉब्स नहीं है तो दो दो कार्स भी नहीं होती है, दो दो इंश्योरेंस भी नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो न्यू इमिग्रेंट्स के नहीं होते. ओवर द टाइम आप अपने लाइफस्टाइल में उन खर्चों को बिल्ड करते हो. और आपको मैं एक बात बता दूं, जीने के लिए पैसा बहुत कम चाहिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है पैसा. तो आई गेस मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर दिए होंगे. प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो मैं दे पाऊंगी तो उनके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी. वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है. और अब आप मुझसे मिलिए कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय.